आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में हमें एक शाफ्ट दिया गया है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे दे रखी है। अब इस शाफ्ट को एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड हम करते हैं जो टाइम का फंक्शन है और उसकी वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू -10 -5t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे एंगुलर स्पीड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हम लिखते हैं अल्फा, ये है -10 -5t। अब अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या हो गया? -10 -5t। अब हम बोथ साइड्स अगर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -10 -5t इसका इंटीग्रेट करें तो ये हमारा इनिशियली हम बोलते हैं इनिशियली सॉरी दिया हुआ था 65 रेडियन पर सेकेंड और फाइनली कुछ ओमेगा एफ हमने माना। यहाँ पे टाइम 0 इनिशियली है और 3 सेकेंड्स पर हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम 3 सेकेंड्स पर नहीं निकालते, हम किसी जनरल टाइम टी पर निकालते हैं, उसके बाद उसमें 3 पुट करके हम आंसर लेंगे। तो ओमेगा एफ -65 आएगा इस तरफ और इस तरफ -10t, ये 0 से t हो जाएगा, -5t² / 2 ये भी 0 से t हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ओमेगा एफ क्या हो जाएगा, 65 -10t -2.5t². अब यहाँ पे हम t इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है? ओमेगा 65 -30 -2.5 × 9 ये होगा 35 -22.5, ये आ गया हमारा 12.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है टाइम टी इज इक्वल टू 3 पे। तो ओमेगा हमारा पास टाइम के टर्म्स में फंक्शन आ गया, तो ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, वो क्या हो गया हमारा 65 -10t -2.5t². तो इससे हमारा डी थीटा क्या आ गया, 65 dt -10t dt -2.5t² dt। अब इसे इन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, ये शुरुआत में 0 बोलते हैं और एंड में थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू इधर 0 से 3 करते हैं क्योंकि 0 से 3 में हमें फाइंड करना है। तो ये आ गया 65t 0 से 3 -5t² 0 से 3 -2.5/3t³ 0 से 3। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 195 -45 -22.5, ये क्या हो गया 195 -67.5, ये हमारा क्या हो गया 127.5 रेडियंस।